गुड मॉर्निंग एवरी वन. टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इंग्लिश ग्रामर. आवर टॉपिक इज पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. आज हम इसका एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे. तो देखिए नंबर आई पर है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द प्लूरल फॉर्म. तो हमें नीचे कुछ सेंटेंस दिया गया है, उसको हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे. तो देखिए नंबर वन पर है, ही इज ए मैन. वो एक मैन है, तो हम इसको प्लूरल फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, दे आर मैन. यानी कि वो सारे मैन हैं, यानी कि बहुत सारे मैन हैं. तो ही के जगह में दे लगेगा, इस के जगह में आर लगेगा, और एम ए एन मैन के जगह में एम ई एन मैन होगा. मैन मतलब एक इंसान, एम ई एन मैन मतलब बहुत सारे इंसान. तो इसका आंसर है, ही इज मैन को अगर प्लूरल फॉर्म में करेंगे तो वो होगा दे आर मैन. ठीक उसी तरह ये जो नीचे दिया गया है सेंटेंस, इस एग्जांपल को देखकर हमें ये बाकी सारे सेंटेंस को भी प्लूरल फॉर्म में लिखना है. तो देखिए नंबर टू पर है, सी इज ए वुमेन. सी इज ए वुमेन का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, दे आर वुमेन. सी इज ए वुमेन मतलब वो एक महिला है, उसको अगर प्लूरल फॉर्म में करेंगे तो दे आर वेमेन. शी के जगह में दे लगेगा, ईच के जगह में आर लगेगा, और डब्ल्यू एम ए एन वेमेन के जगह में डब्ल्यू एम ई एन वेमेन लगेगा. दे आर वेमेन मतलब बहुत सारे महिलाएं. तो सी इज वेमेन का प्लूरल फॉर्म है दे आर वेमेन. नंबर थ्री, आई एम ए टीचर. मैं एक टीचर यानी कि शिक्षक हूँ, तो इसको प्लूरल फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, We are teachers मतलब हम बहुत सारे शिक्षक हैं. I के जगह में we लगा, M के जगह में R लगा, और teacher T-A-C-H-E-R teacher की जगह में उसको plural form करने से T-A-C-H-E-R-S teachers लगा. तो I am a teacher का plural form है we are teachers. Number फोर पर है, He is my brother मतलब वो मेरा भाई है, तो इसको हम प्लूरल फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, दे आर माई ब्रदर्स. वो मेरे भाई हैं. इसमें भाई कितने हैं, वो सारे मेरे भाई हैं, इसीलिए इसमें क्या लगा, दे आर माई ब्रदर्स. इसमें दे लगा कि वो सारे हैं और ब्रदर्स यानी कि वो बहुत सारे भाई हैं. तो इसमें ही इज माई ब्रदर का प्लूरल फॉर्म होगा दे आर माई ब्रदर्स. नंबर फाइव पर है, सी इज योर सिस्टर. इसका प्लूरल फॉर्म है दे आर माई सिस्टर्स. सी इज योर सिस्टर्स मतलब वो तुम्हारी बहन है, इसको अगर प्लूरल फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, दे आर योर सिस्टर. वो सारे तुम्हारे बहने हैं. तो सी के जगह में उसको प्लूरल फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, दे होगा, और इस के जगह में आर होगा. योर का प्लूरल फॉर्म योर ही होगा, और सिस्टर में एस लगेगा, एस आई एस टी ई आर इसका सिंगुलर है, तो इसका प्लूरल होगा एस आई एस टी ई आर एस, सिस्टर्स. नंबर सिक्स, दिस इज हिज बुक. ये सिंगुलर है, इसको प्लूरल करेंगे तो क्या होगा, दोज आर हिज बुक्स. दिस इज हिज बुक मतलब ये उसका बुक है, इसको प्लूरल फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, दिज आर हिज बुक्स. यानी कि ये सारे उसका बुक्स है, यानी कि ये बहुत सारे बुक है जो कि उसका है. तो दिस के जगह में इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, दिस का टी एच ई एस ई दिज. इच का प्लूरल फॉर्म है आर, और हिज का हिज ही रहेगा, बुक का प्लूरल फॉर्म होगा बी ओ ओ के एस बुक्स. तो दिस इज हिज बुक का प्लूरल फॉर्म है दीज आर हिज बुक्स. नंबर सेवन पर है, दैट वॉज हर फ्रॉक. दैट वॉज हर फ्रॉक मतलब वो उसका फ्रॉक है, तो हम इसको प्लूरल फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, दोज वेयर हर फ्रॉक. दोज वेयर हर फ्रॉक्स का मतलब है वो सारे उसकी फ्रॉक्स हैं. तो ये क्या होगा, डेट का प्लूरल फॉर्म है दोज, वॉच का प्लूरल फॉर्म है वेयर, हर का हर ही रहेगा, फ्रॉक
फ्रॉक यानी कि बहुत सारे फ्रॉक, उसको प्लूराल करेंगे तो क्या होगा, FROCKS, फ्रॉक्स। तो दैट वॉज हर फ्रॉक का प्लूराल सेंटेंस है, दोज वेयर हर फ्रॉक्स। नेक्स्ट डबल आई, फिल इन द ब्लैंक्स विथ हिच और हर। तो हमें नीचे कुछ सेंटेंस दिया गया है, उसमें पहले सेंटेंस को देखकर हमें अगर लड़का होगा तो हिज लगाना है, अगर लड़की होगा तो हर लगाना है। तो देखिए नंबर वन पर है, सी इज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। दिस इज डेक्स बैग, ये उनका बैग है, तो उसमें क्या लगेगा, एच ई आर हर, क्योंकि इसमें शी यानी कि एक गर्ल का नाम दिया हुआ है, गर्ल एक डॉक्टर है, तो उसमें क्या होगा, एच ई आर हर, दिस इज हर बैग। नेक्स्ट नंबर टू, सी इज ए टीचर, दिस इज डेक्स बुक, वो एक टीचर है, ये उनका बुक है, तो उनका उनका का मतलब क्या होगा, क्योंकि एक सी, सी मतलब एक लड़की है, वो लड़की एक टीचर है, तो उसमें क्या होगा, उनका बुक है, तो इसमें क्या होगा, एच ई आर हर होगा, दिस इज हर बुक। नंबर थ्री, ही इज ए पोस्टमैन, दिस इज डेक्स बाईसाइकिल, वो एक पोस्टमैन है, ये उनका बाईसाइकिल है, तो उनका का मतलब क्या होगा, हीज, क्योंकि ही एक लड़का का नाम बता रहा है, एक लड़का पोस्टमैन है, उसका बाईसाइकिल है, तो इसमें होगा दिस इज हीज बाईसाइकिल। नंबर फोर, दिस इज जॉन, दिस इज डेक्स बॉल, ये जॉन है यानी कि ये एक लड़का है, जॉन मीन्स एक लड़का का नाम है, तो दिस इज डेक्स बॉल होगा, दिस इज हीज बॉल होगा, क्योंकि जॉन एक लड़का है, तो इसमें हीज लगेगा, उसका बॉल। नंबर फाइव, दिस इज जैन, दिस इज डेक्स फ्रॉक, तो दिस इज डेक्स फ्रॉक में क्या होगा, हर होगा, दिस इज हर फ्रॉक, क्यों इसमें हर लगा, क्योंकि जैन एक लड़की का नाम है और फ्रॉक भी लड़कियां पहनते हैं, तो इसमें क्या होगा, उसकी फ्रॉक यानी कि हर, दिस इज जैन, दिस इज हर फ्रॉक। नंबर सिक्स, दिस इज लीला, दिस इज डेक्स डॉल, ये लीला यानी कि एक लड़की का नाम है, तो ये उसकी डॉल यानी कि हर लगेगा, लीला एक लड़की है इसलिए इसकी जगह में हर लगा, दिस इज हर डॉल। तो ये था आज का द पर्सनल प्रोनाउंस का एक्सरसाइज वन। आज हम आई और डबल आई का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए, तो आज का आपका होमवर्क है आई और डबल आई नंबर करके दिखाना है। थैंक यू।